नमस्कार, मैं हूँ रेणु भाटिया। न्यूज अब भारत में आपका स्वागत है। रामपुर के स्वार क्षेत्र में आज दिन दहाड़े रिटायर्ड सूचना अधिकारी ने एक महिला को गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि उसकी बेटी घायल हो गई। इस मामले से पुलिस में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया। आरोपी रिटायर्ड जिला सूचना अधिकारी की तलाश शुरू कर दी है। रामपुर के स्वार के गांव छिद्दा वाला में रिटायर्ड जिला सूचना अधिकारी सोमपाल सिंह ने युवती को गोली मार दी, जिसमें की महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महिला सोमपाल सिंह के आवास पर साफ सफाई का कार्य किया करती थी। जिला सूचना अधिकारी सोमपाल सिंह 3 वर्ष पहले ही अपने पद से रिटायर्ड हुआ था। दोनों में कुछ कहासुनी होने के बाद सोमपाल ने गर्दन पर तमंचा सटाकर गोली मार दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जानकारी पुलिस को मिलते ही एसपी और एसएसपी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, मृतक के परिजनों और ग्रामीणों से जानकारी ली। सोमपाल आरोपी को अवैध तमंचा सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या बात हुई थी? इसके घर काम करे करी सोमपाल के घर तो लड़ाई करता है, कहता कह रही तुझे गोली मारूंगा, तेरे घर के सबको मारूंगा। तो यहाँ पे सुबह इनसे झगड़ा कर दिया, बाल पकड़ लिया इसके, बाल पकड़ कर बहुत छोड़ कर भाग रही तो उसके पे गोली मारता है। यहाँ पे वो मर गई, नाली में गिर गई। किसने मारी? एस पी सिंह सोमपाल ने। तुमने देखा था? हाँ, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से गोली लगते हुए। मैं पापा को भी मार दिया, मैं भैया को भी मार दिया, हमने दुबका था ना दुआर दिया था। थाना स्वार के गांव छिद्दा वाला में एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 35 साल होगी। वो गांव के ही एक व्यक्ति के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करती थी। ये व्यक्ति रिटायर्ड जिला सूचना अधिकारी है। आज सवेरे ये उसके घर उसे बुलाने गया तो किन्हीं कारणों से वो काम पे आने से उसने मना कर दिया। दोबारा ये फिर अपने घर लौट के आया और घर से जब गया तो उससे उसने झगड़ा किया और तमंचा लेके गया था साथ, जिस तमंचे से उसकी बेटी के सर में भी वार किया इसने बट से, और उस महिला को उसने गोली मार दी। उस गोली लगने से महिला की मौके पे ही मृत्यु हो गई। तत्काल पुलिस पहुंची, महिला को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां वो डॉक्टरों ने भी मृत्यु घोषित कर दिया है। अभियुक्त को मय आला कत्ल के पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आगे की कार्यवाही की जा रही है। विधिक प्रक्रिया पूरी करके माननीय न्यायालय में रिपोर्ट प्रेषित कर। मोहम्मद इसरार के साथ आसिफ अली खान की रिपोर्ट, न्यूज अब भारत। देश विदेश की सबसे बड़ी और अहम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज अब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।